हम लोगों ने 200-250 किलो से शुरू किया था और आज हम तीसरे साल में 1500 किलो में पहुंच गए हैं और शायद 2000 भी कर सकते हैं हम लोग इस बार। तो मतलब आगे तो हमारा विचार यही है कि इस काम को बढ़ाया जाएगा। और खुशी तो देखिए ऐसा होता है कि हम जिस काम को खुद अपने हाथों से करते हैं तो उसमें एक अलग ही खुशी होती है। तो हमारे बनाए हुए रंग से कितने लोगों ने होली खेली होगी। जब हम लोग होली खेल रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि यार ये तो हाँ इतना इतना किलो हमारा गया, 600 किलो हमारा गया था। तो हमने कहा 600 किलो गया है तो कितने लोगों ने खरीदा होगा और कितने लोग खेल रहे होंगे होली हमारे हाथों से बनाए हुए रंगों का। तो वो अलग एक अलग एक्साइटमेंट भी था और एक खुशी भी थी कि मतलब बहुत अच्छा लगा रहा। मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं पहुंचा हूं डिमर गांव में। डिमर गांव जब आप भोगपुर से इठांडा रोड पर चलते हैं तो भोगपुर से लगभग 4 किलोमीटर आगे की जब तरफ जब आप इठांडा की तरफ बढ़ते हैं तो डिमर गांव पड़ता है। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं हिमांशु भगुना जी से। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक हैं और आप एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन आपने उसके बाद आपने निर्णय लिया कि मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा, अपने लोगों के साथ रहूंगा और नेचर के साथ रहूंगा। अब होली आ रही है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। हिमांशु जी ये बताइएगा कि आपकी जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है और जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो एकदम बहुत अलग है, तो इसकी शुरुआत कैसे की, कैसे आया विचार? जी पहले से एक विचार मन में था ही कि कोई भी काम हो, कोई भी उत्पादन हो या कोई भी खाने की चीज़ हो वो ऐसी हो जो आदमी को नुकसान ना पहुंचाए। अभी एक मानसिकता हो गई है लाभ कमाने के लिए आदमी कुछ भी मिलाता है। हमने इस बात पे ध्यान दिया कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो भी बनाए तो वो आदमी के शरीर के लिए भी ठीक हो और उसको बनाने के प्रोसेस में हम धरती का भी ज़्यादा नुकसान ना करें। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि मेरी चाची है जो और हम लोगों ने परिवार में ऐसा तय किया कि जो भी काम करेंगे मिलके करेंगे। तो चाची की जो बहन है मौसी मेरी, तो उनके यहाँ साउथ से कुछ लोग होली का रंग बनाने की ट्रेनिंग देने आए और ऐसी चर्चा में जिक्र आया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बनाया। तो घर में जब बात हुई तो मेरी पत्नी ने थोड़े से रंग, होली आने वाली थी तो थोड़े से रंग बना के अपने लिए रख दिए। और ऐसे ही क्योंकि 4-1 साल से समाज में निकले हुए हैं और सब तरह के लोगों से परिचय है, तो मैंने एक हमारे जानकार है फार्मर्स प्राइड नाम का ब्रांड चलाते हैं, उसके को फाउंडर हैं, तो मैंने भैया को ऐसे ही फ़ोन घुमाया। मैंने कहा भैया होली के रंग बना रहे हैं और इस विधि से बना रहे हैं, आपका इंटरेस्ट हो तो बताना। तो उनका उस दिन तो रिप्लाई नहीं आया, पर 1.5 महीने बाद उनका कॉल आया फरवरी में। बोले यार तुम वो रंग बनने की बात कर रहे थे, सैंपल भेजो जरा। और सैंपल भेजा, पहुंचने के साथ ही उन्होंने 100 किलो का ऑर्डर दिया। ये बात है 2020 की, है ना। तो 2020 में हमने 100 किलो रंग बना के जैसे ही भेजा, तो जैसे ही वो रिसीव हुआ तब तक उनको उन्होंने बोला कि 100 किलो और बना के दे दो। ऐसे 200 किलो हो गया, फिर 50 किलो हमने जो छुटर पुटर अपना दम लगा के बनाया और अपने आस पड़ोस में बेचा। तो बहुत उसमें हमको भी अकल नहीं थी और हमने भी कर डाला। फिर इस साल जब हम करने आए 2021 में, तो हम करीब करीब 600 किलो रंग हमने किया। उसमें हमने पहली बार अपने परिवार से बाहर एक महिला की सहायता ली, तो वहीं से क्लिक हुआ कि इसको कैसे बढ़ाया जाए कि और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। सब मैं अपने समेट के अपने घर ले जाऊं ऐसी मानसिकता भी नहीं है। तो वहां से 600 किलो हुआ, तो इसमें वापस फार्मर्स प्राइड ने सपोर्ट किया। देहरादून में कई ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, एक आशा ऑर्गेनिक्स करके हैं, कर्नल अरविंद रावत जी उसे चलाते हैं, तो उन्होंने हमारा करीब 300 किलो करीब उन्होंने लिया और बाकी जो भी हमारे संपर्कों के थ्रू गया। इस साल ये आइडिया आया कि
इसको प्रोडक्शन को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, तो रंगों की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया। तो पीला रंग इस बार पूरा हल्दी से बना, ऑरेंज रंग जो बना हल्दी और चूना, एक प्रोसेस है आयुर्वेद में संस्कारित हल्दी बोलते हैं, उसमें हल्दी और चूने को पानी के साथ मिला के मटके में रखते हैं तो लाल रंग का हो जाता है। हालांकि लाल रंग तुरंत छोड़ता है पर वो चूना भी ठंडा हो जाता है, खाने योग्य हो जाता है, ईटेबल क्वालिटी हो जाता है। उसके ऑरेंज रंग निकाला, बीट रूट चुकंदर से पिंक रंग निकल रहा है, ये जो निकल रहा है पीछे हमारे, हरे पत्तों का रस निकाल के उससे हमने हरा रंग बनाया, और जो बैंगनी रंग की वॉयलेट रंग की गोभी आती है सॉरी उसके एक्सट्रैक्ट से बैंगनी रंग बना। तो आप बता रहे हैं कि हरे रंग, हरा रंग हमने निकाला है, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बाहर निकालते हैं, वो कोई विधि होती है या आपके पास कुछ मशीनरी वगैरह है इसकी? इसीलिए उसके कई तरीके हैं, अलग अलग स्थानीय लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। एक तरीका तो ये कि आप उसे पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और फिर पानी में उबाल लीजिए। दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट उसको पानी में उबाल लीजिए। तीसरा तरीका कि आप उसको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। ये सब लंबे प्रोसेस हैं, मतलब हम भी इस साल क्योंकि टाइम शॉर्ट था तो अहमदाबाद में कंपनी है जो नेचुरल फूड एक्सट्रैक्ट बनाती है, सर्टिफाइड है, तो हमने ये तीन चीज़ें वहाँ से प्रोक्योर करी। हल्दी हमारी अपनी खेत की थी, गांव से ली हमने, तो हल्दी तो लोकल जनरेट हो गई, बट ये यहाँ पे लोकली कोई कर नहीं रहा है, और क्योंकि बहुत कॉस्टली अफेयर है तो हर कोई करता नहीं है, तो बहुत ढूंढने के बाद हमने निकाला। लोग नेचुरल डाई भी यूज़ करते हैं पर नेचुरल डाई का कलर बहुत लाइट आता है, तो नेचुरल डाई हमने यूज़ नहीं करी। वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से ये राजस्थान में जितने भी कपड़े व्यापारी हैं ये लोग बहुत यूज़ करते हैं पर उसका रंग बहुत अच्छा आता नहीं है। नेचुरल फूड कलर महंगा भी आता है, उसका रंग बहुत अच्छा था, अभी देखेंगे पिंक कलर, मतलब बहुत अच्छा पिंक कलर है। फिर इसमें हम लोग नेचुरल फ्रेग्रेंस भी मिलाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, जैसे इसमें गुलाब का जाएगा और पीले में सैंडलवुड मतलब चंदन का जाएगा, ऑरेंज में ऑरेंज का जाएगा, हरे में लेमन ग्रास का जाएगा और वॉयलेट में आपका जैस्मिन का जाएगा, ऐसे खुशबू के साथ जाता है। जब आपने स्टार्ट किया था, आप बता रहे दो साल पहले आपने स्टार्ट किया, 2020 में जो स्टार्ट हुआ है, उस समय आपने कितनी पूंजी लगाई थी? शुरू में हमने 8,000 रुपये लगाया था और 30,000 रुपये का काम किया, क्योंकि बहुत सारा सामान हमारे पहले से पड़ा था, साबुन बनाते तो खुशबू पड़ी हुई थी, तो उस समय हमने बहुत जिसे बोलते कैलकुलेशन नहीं लगाया। कितना माल तैयार किया था आपने? हमने करीब 250 किलो। और दोबारा जब आपने शुरू किया दूसरे साल? दूसरे साल हमने 600 किलो बनाया। उसमें आपकी कितनी पूंजी लगी थी? उसमें हम बेसिकली पूंजी इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं लगी पिछले साल हमारी, क्योंकि हम ऑन ऑर्डर बेसिस बना रहे थे। जैसे 100 किलो बनाया तो 100 किलो बनाने के लिए आपको 5,000 रुपये चाहिए, रॉ मटेरियल ये खुशबू वगैरह हमारे पास पड़ी थी, तो आपने 6,000 रुपये लगा के बनाया, ऑर्डर लिया, वहाँ से पेमेंट आई तो आपने अगला ऑर्डर शुरू कर दिया, तो ऐसे करते करते हम 600 किलो कर गए, 60,000 रुपये 65,000 रुपये के आसपास टोटल सेलिंग करा, जिसमें से हमारा ठीक ठाक मुनाफा निकला। और इस बार जो आपका जो विचार है, जो रणनीति है, वो कितने किलो की है? इस बार हम 1,500 किलो कर रहे हैं, और पिछले साल से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। जैसे इस साल प्रॉपर हमने सेटअप लगाया, जैसे हमारी फर्म रजिस्टर्ड हुई है तो उस फर्म नेचर टू नेचर के नाम से, उसके थ्रू काम कर रहे हैं, हर चीज़ की बिलिंग हो रही है, सब चीज़ पक्के बिल में हो रहा है, अरारोट आया वो पक्के बिल में आया, खुशबू आई है वो पक्के बिल से आई है। और पिछले साल तक हम सिर्फ एक, जैसे आपके आपने ऑर्डर मांगा कि मेरे को 10 किलो दे दो, तो 2-2 किलो के बैग में भरा और दे दिया। इस साल हमने 100 ग्राम, 200 ग्राम और ऑन रिक्वायरमेंट पैकेजिंग भी डिज़ाइन की। बट चैलेंजेस में यही है कि आपका होली तक सारा रंग निकलना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी सारी काम करनी चाहिए, जैसे हमारा कई बार रंग बचता भी है। दूसरा ये कि इसमें फ़ायदा ये है कि बस ये रंग ख़राब नहीं होता, अभी पैकेट बन गया, सील हो गया, अभी 3 साल कहीं नहीं जाने वाला। हमारे पास जो पहले साल रंग बनाया था उसकी खुशबू, उसका रंग आज भी इंटेक्टेड है, तो इसलिए लॉस इसमें उस रूप में नहीं है, इस साल नहीं निकलेगा तो अगले साल निकल जाएगा। किस तरह से आपकी मार्केटिंग चल रही है? इस बार हम लोगों ने जो प्लान किया, हम एक तो सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं, तो अमेज़ोन पे आ जाएगा, फ्लिपकार्ट पे आ जाएगा, प्लस इंस्टाग्राम पे भी हम पेड प्रमोशंस के थ्रू इसको प्रमोट करेंगे जनवरी से, और फेसबुक वगैरह पे जो भी एक ट्रेडिशनल अभी चल रहे हैं उनको हम फॉलो करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हों। जो माउथ पब्लिसिटी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, आपके माध्यम से, आप जैसे मित्रों के माध्यम से, हमारा मन यही है कि जितना हम चैनल का कॉस्ट कम करेंगे उतना हमारे कस्टमर को सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जितने चैनल ऐड होते जाएंगे हम उनको रोक नहीं सकते, उनको पैसा देना ही देना है। बेसिकली हम लोगों ने जो किया, दिल्ली गया, कानपुर गया, IIT कानपुर के कैंपस में गया, और बिलासपुर गया, और देहरादून में गया, देहरादून में जिनके माध्यम से हमने दिया उन्होंने हैदराबाद CSD तक में सप्लाई किया, तो इस तरीके से एक रेंज तो है। गुजरात गया, हरियाणा भी गया,
बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है बट मतलब गया। तो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपका जो ये जो प्रोडक्ट है, ये नेचर वाला जो प्रोडक्ट है, ये पूरे देश में फैले और अब्रॉड में भी जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? फिलहाल 5 लोग हैं जो गाँव से आते हैं और उनको हम रिस्पेक्टेबल अमाउंट दे रहे हैं, तो हमने किलो के हिसाब से उनको तय किया हुआ है। आप आइए, उतना किलो जितना किलो आप बनाएंगे उसके हिसाब से हम तोल के आपको पैसा दे देंगे। ठीक है हिमांशु, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। जो कलर बनाने का जो आइडिया है, कहाँ से आया आपके पास? नमस्कार। रंग बनाने का जो आइडिया है, पहले मुझे ऐसी बातों में मेरी बहन से मिला, तो वो लोग विकास नगर में वो लोग रहते हैं, तो उनको किसी समूह के द्वारा बाहर से साउथ से कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी थी। तो ऐसे ही एक दिन मैंने फ़ोन किया कि क्या कर रही है, तो उसने बोला कि दीदी हम लोग ये ऐसे ऐसे कलर बना रहे हैं और आप लोग भी बना सकते हैं घर में अपने यूज़ के लिए। तो मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं। फिर मैंने घर में बात की, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, वो ऐसे बोल रही थी कि कलर बना सकते हैं आप लोग, और मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में हम लोग मेन जो एक मैं हूँ और मेरा भतीजा है, उसकी बहू है, तो हम लोग तीनों मिलके किसी जो भी हम काम करते हैं हम तीनों मिलके करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अच्छी बात है कि अरारोट लाके एक बार ट्राई करते हैं। तो घर पे हम लोगों ने ऐसी ट्राई वगैरह ट्राई करके देखा, तो ट्राई करके रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा सा आया, मतलब अच्छा लगा कि रंग तो अच्छा आ रहा है। तो फिर जो कुछ कमी लगी तो हमने बात करके पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जो कमी रही उसने बताया कि दीदी ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसे, तो हमने फिर मतलब उसी को फॉलो किया। तो फॉलो करने के बाद हमको जब रिज़ल्ट अच्छा आया, तो उसके बाद जैसे हिमांशु ने आपको बताया कि फिर सारी कहानी, मतलब जो हिमांशु ने बताया कि हमने फिर आगे कॉन्टेक्ट किया और सब लोगों से बात की और हमारा कुछ रंग निकला भी है। भविष्य की योजनाएं तो ये हैं कि जितना हमसे हो सकेगा उतना इस काम को बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगता है हमको कि हम होली का रंग तैयार कर रहे हैं और हमारे हाथों से बने रंगों से लोग होली खेलते हैं, बहुत खुशी होती है हमको। हमको बहुत अच्छा लगा, हमें ये लगा कि हमें अपने घर के पास अपने घर के काम के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें हिमांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें और हमारे साथ और बहनों को भी रोजगार दिया है। हमें बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई हमको कि हमें अपने घर के पास घर के काम करते हुए थोड़ा सा रोजगार मिल जाए, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका।